हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एचपी का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है ये एचपी 240 G6 लैपटॉप है। ये कई तरीके के मॉडल में लग जाता है इसका सामान, जैसा कि हम बैटरी देखते हैं, बैटरी इसकी 15BS वाली भी लग जाती है, कीबोर्ड भी इसमें 15BS का लग जाता है। इस तरीके के कई मॉडल होते हैं, 15BS, 15D। तो ये जो मॉडल है ये एचपी 240 G6 का है, इंटेल पेंटियम इसमें प्रोसेसर लगा हुआ है। हम इसे चेक कर रहे थे, जब हम इसमें लगाते हैं चार्जर तो हमारी लाइट तो जल जाती है चार्जिंग वाली, पर हमारी मशीन ऑन नहीं हो पा रही है। हम ऑन कर रहे हैं इसको तो ऑन नहीं हो पा रही है, ये इसमें मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो किस वजह से मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो हम आपको बता देते हैं। जब या हम ज्यादा हमारी मशीन हीट हो जाए, जब हम बेड वगैरह पे रख के यूज करते हैं, या ज्यादा टाइम तक 10-15 घंटे तक जब मशीन चलती रहती है, तो इन वजह से इनमें प्रॉब्लम आने के चांस रहते हैं। मशीन मोस्टली खराब होती है हीटिंग की वजह से, जब ज्यादा यूज हो जाए या हम बेड वगैरह पे रख के यूज करें तो ही ये प्रॉब्लम आती है। यदि आप हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। तो फिर हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं। इसको हम खोलेंगे, खोल के इसका मदरबोर्ड रिपेयर करेंगे। मदरबोर्ड का जो हम अपनी वीडियो में दिखाते हैं, आपको कंपोनेंट चेंज होते हैं, आईसी वगैरह चेंज होती है, जो हॉट गन आयरन वगैरह से होती है। मीटर से हमें इसको चेक करना पड़ता है कि कहीं कहां पे क्या प्रॉब्लम आ रखी है। तो हम इसको खोलते हैं और आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे कि हम इसको रिपेयर कैसे करते हैं। धन्यवाद।